हे गाइस, मेरे पास है वन प्लस नॉर्ड सी फोर और इस फ़ोन में सबसे बढ़िया प्रॉब्लम या फिर सबसे बढ़िया मिसिंग चीज़ जो है अभी है वो है एनिमेशंस। और बहुत सारे अपडेट्स वन प्लस ने भेजा है लेकिन एक भी अपडेट के बाद एनिमेशंस एक्चुअली में आया नहीं वन प्लस फ़ोन में, और स्पेशल ये वन प्लस नॉर्ड सी फोर के लिए ही हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में ऐसा एक ट्रिक या फिर आप बोल सकते हो टेक्निक बताऊंगा जहाँ से आप एनिमेशन को एनेबल कर सकते हो इस फ़ोन के लिए, और आपका सारे के सारे एनिमेशंस थोड़ा जितना है उससे बेहतर आपको दिखेगा फ़ोन में। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस आप देख सकते हो इधर पे मैं कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ, और थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, आपको एनिमेशंस देखने के लिए मिलेगा इधर पे। और मैं अगर फ़ोन को अनलॉक करता हूँ तब भी एक एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, और ये जो एनिमेशन है ये एक्चुअली में दिखाई दे रहा है आपका आँखों में। लेकिन अगर आप इस सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करते हो तो आपको एनिमेशंस पता भी नहीं चलेगा। तो कैसे ऐसे एनिमेशंस आप एक्टिवेट कर सकते हो वन प्लस नॉर्ड सी फोर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आप वीडियो एंड तक देखिए, और लास्ट में ये भी बताऊँगा कैसे आप नेविगेशन बार को टोटली ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फ़ोन को अपडेट कर लेना है सबसे लेटेस्ट वर्जन में। अपडेट करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके इधर पे आपको अबाउट डिवाइस में आना है। अबाउट डिवाइस में आके आप इधर पे देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेगा। आपको वर्जन में जाना है, और वर्जन में जाके इधर पे वर्जन नंबर के ऊपर बहुत बार क्लिक करना है अनटिल आपको इधर पे डेवलपर ऑप्शंस एनेबल हो सके। एक बार डेवलपर ऑप्शंस एनेबल हो जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में जाना है, और डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको कुछ चीज़ है उधर पे आपको एक्टिवेट करना है। तो इधर पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं जो फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ या एनिमेशन को इम्प्रूव करने के बारे में बात कर रहा हूँ वो फीचर आपको इधर पे मिलेगा, विंडोज़ एनिमेशन स्केल। और ये जो फीचर है बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में ऑलरेडी है, लेकिन वन प्लस नॉट सी फोन में जो एनिमेशन है वो एक्चुअली बहुत फास्ट होता है और इसीलिए दिखाई नहीं देता है आपका आँखों में। उसको स्लो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस फीचर को, और डेफिनेटली इधर पे बहुत सारा एनिमेशन का स्केल आप चेंज कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा 1.5 पे रखने के लिए सारे के सारे एनिमेशंस, ताकि आपका फ़ोन फास्ट भी रहे और एनिमेशंस भी दिखे आपको। जितना भी एनिमेशन है वन प्लस नॉर्ड सी फोन में वो अच्छे से आपको दिखाई देगा ये फीचर एनेबल करने के बाद। और ये छोड़ के आप 1.5 में रख सकते हो या फिर 2 में भी रख सकते हो। अगर आपको एनिमेशंस ज़्यादा देखना है तो 2 में रख सकते हो। तो इधर पे आप देख सकते हो एक बार 1.5 करने के बाद जो एनिमेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और आप देख भी सकोगे वन प्लस नॉट सी फोन में एक्चुअल एनिमेशंस को, और आपका फ़ोन भी स्लो नहीं होगा, फ़ोन फास्ट ही रहता है। आप देख सकते हो उतना स्लोनेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है फ़ोन के अंदर ये सेटिंग्स इनेबल करने के बाद भी। और उसके ऊपर और एक सेटिंग्स जो आप इनेबल कर सकते हो वो है आपका ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार। तो आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार बोल के फीचर इधर पे अवेलेबल है, इसको आपको इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद आपका जो ट्रांसपेरेंसी है आपका नेविगेशन बार का वो ऑल टाइम रहेगा। जैसे आप देख सकते हो पूरे का पूरा अभी ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार आपको दिखाई देगा, और डेफिनेटली ये जो ट्रांसपेरेंट बार है ये एक्चुअली आपका फ़ोन का लुक को भी बेटर कर देता है, और डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया लगता है आपका फ़ोन में। लेकिन सब जगह पे ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते नेविगेशन बार को, क्योंकि आपको आइकॉन्स दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए कुछ कुछ जगह पे एक्चुअली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है नेविगेशन बार, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है जितना भी आपको ट्रांसपेरेंसी मिलता है नेविगेशन बार के अंदर। और एनिमेशंस भी भरपूर मिलता है आपका वन प्लस नॉर्ड सी फोर में, जो ट्रांजिशन एनिमेशन है या फिर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो भी थोड़ा बेटर हो जाता है इस फ़ोन में इस सेटिंग्स को चेंज करने के बाद। तो यही बोल के मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ चैनल पर। तो आज के लिए बस इतने, आपका दिन शुभ रहे।